भाजपा मुख्यालय में पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के बारे में रणनीति पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि भाजपा एक राजनीतिक दल है और प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी की रणनीति और प्रत्याशियों के चुनाव पर चर्चा की गई। रामनगर आईएमपीसीएल फैक्ट्री को निजी हाथों में देने का विरोध तेज हो गया है। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ मौन व्रत रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार पर सरकारी संपत्ति बेचने समेत कई गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की आईएमपीसीएल के नाम से बरसों पुरानी एक दवा फैक्ट्री स्थापित है। इस फैक्ट्री में बनने वाली दवा देश और विदेश तक जाती है। के साथ हूँ, नेहरू जी का अनुयायी हूँ पब्लिक सेक्टर, और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि इसका शुभारंभ जिस समय मैं सांसद था उस समय हुआ, तो मैं मेरी इससे भावनात्मक लगाव भी है। और ये हमारे सल्ट का अभिमान है और रामनगर का स्वाभिमान है, और ये हमारे गुजरू हो या बेताल घाट हो, ये सब लोगों की एक सामूहिक धरोहर है। तो हमारी धरोहर को आप एक पूंजीपति को बेच दोगे और वो पूंजीपति यहाँ कुछ दिनों के बाद एक बड़ा सा होटल बना देगा, कहीं कहाँ कहाँ से कर्मचारी ला करके हमारी कोशी को और गंदा करेगा। तो ये जो है, इसलिए आईपीसीएल बचना जरूरी है। अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में एंटी ड्रग खेल के तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल जज राजेंद्र कुमार थे। उन्होंने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से परिवार और समाज पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रहने को कहा। गोष्ठी में युवाओं को नशा मुक्त बनाने और उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। पौड़ी जिले में श्रीनगर के थेलीसेन ब्लॉक के गांवों में पशु भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। उनके नाक से खून और पेट फूल रहे हैं जिससे उनकी मौत हो रही है। पशुपालन विभाग को भी अभी तक बीमारी का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सकों को सूचित किया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है, उनके द्वारा क्षेत्र में दवाइयां भेजी गई है। हल्द्वानी वन भूलपुरा बवाल से जुड़ी एक खबर सामने आई है। 8 फरवरी को बवाल के दौरान पुलिस महिला कांस्टेबल को बचाने वाले परिवार को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आस पड़ोस के कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित परिवार पुलिस अधिकारियों से मिला है। सुरक्षा और अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। परिवार तक के द्वारा बताया कि इसमें जो चोरी की गई वो काफी बड़ी मात्रा में चोरी हुई है। तो इस मामले में जो देखते तभी जो है थाना अध्यक्ष कार बता टीम में खड़ी हुई है, और जो हमारी टीम है उसने जो सामान है वो सारा का सारा सामान बरामद कर लिया गया, जिसकी कीमत 8 लाख रुपये। सर, क्या इन्हें पता था कि वो परिवार जो प्राइमरी पौड़ी जिले के कोटद्वार के पास पाखरो टाइगर सफारी मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने निशाने पर लिया। वे सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि सीबीआई और ईडी का ये साबित कर दें कि मैंने एक रुपया भी इधर से उधर किया हो। उन्होंने कहा कि पाखरो टाइगर सफारी गढ़वाल के भले के लिए बना रहे थे। जो सबसे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव हो रहा था, तुमने ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, और मैं तो कह रहा हूं, मैंने ईडी वालों से भी कह था, कहा 1 रुपया का, 1 करोड़ तो छोड़ दो, 1 लाख तो छोड़ दो, अगर 1 रुपया का घोटाला निकल जाए, एक पाखरो टाइगर सफारी में गढ़वाल के भले के लिए बना रहा था, लाखों लोगों को रोजगार मिलता दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक, जौली ग्रांड से लेकर कोटद्वार तक, इतने होटल बनते थे, रिसोर्ट बनते, पूरी दुनिया के लोग जो टाइगर देखने के लिए आते हैं वो पाखरो टाइगर सफारी देखने के लिए आते हैं।
मेरा जुनून था कि दो तिहाई हिस्सा पौड़ी जिले का, पौड़ी जिले का गढ़वाल का हिस्सा जो है कॉर्बेट में है, और दुर्भाग्य से गढ़वाल से जो है कॉर्बेट को व्यापार नहीं मिल पा रहा, यहाँ को लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। अगर मैं पाखरोप टाइगर सफारी बना रहा था, कुछ लोगों को तकलीफ हुई, कुछ लोगों को लगा भाई ये तो उस ऊंचाई को छू लेगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में बताया जा रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कैंपेन के दौरान लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी गई, साथ ही जो स्थानीय मुद्दे उठाए थे उनको भी जन समर्थन मिला है। इसी केदारनाथ के लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी थी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस जो है चुनाव जीतने जा रही है। भाजपा इतनी बौखलाई हुई थी, हताश थी, निराश थी कि लोग जो है सीधे सीधे जो है भाजपा के लोगों के मुंह में ये कहने लग गए थे कि भाई आप यात्रा को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाए, आप जो है केदारनाथ धाम को दिल्ली स्थापित करने का काम आप करते रहे, आपने जो केदारनाथ का सोना था उस प्रकरण में कोई जांच नहीं की, कोई बात आपने नहीं कही, बेरोजगारी अलग मुद्दा था, महंगाई अलग मुद्दा था, कानून व्यवस्था अलग मुद्दा था, तो ये तमाम विषय, इन विषयों को हमने आम जन के बीच उठाने का काम भी किया और आम जन का समर्थन इन विषयों पर जो है कांग्रेस को मिल रहा था। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने अपना 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम 72 सीढ़ी गंगा घाट पर हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गंगा की भव्य आरती के साथ हुआ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की धूम रही। कार्यक्रम में जरूरतमंद दर्जनों स्कूली बच्चों को पाठ्य सामग्री और स्टेशनरी वितरित की गई। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पवित्र गीता की पुस्तकें भी वितरित की गई। कोटद्वार में देवभूमि उद्यमिता योजना अंतर्गत 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुरू हुए स्टार्टअप बूट कैंप में छात्र छात्राओं को कोटद्वार क्षेत्र की समस्याओं की पहचान करने, नवाचार, नवीनतम तकनीकों और आइडियाज के माध्यम से उनका समाधान करने सहित कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। बूट कैंप में कोटद्वार क्षेत्र के युवाओं एवं छात्र छात्राओं को उद्यमिता एवं स्टार्टअप के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं स्वरोजगार के माध्यम से अपना भविष्य संवारने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टार्टअप बूट कैंप के बाद इसी सत्र में 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित होगा। राज्य के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं और उच्च शिक्षा विभाग है उनके बच्चों में उद्यमिता की भावना पैदा करने के लिए ये योजना लाई गई है और इसका क्रियान्वयन जो है वो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जो करीब जिसके पास करीब 45 साल की लीगेसी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। तो हम लोग यहाँ बच्चों को, यहाँ जो चल रहा है वो एक स्टार्टअप बूट कैंप है जिसमें हम बच्चों को स्टार्टअप के बारे में और कैसे शुरू करें, कैसे किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे आप अपने आइडिया पिच करें और किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहे हैं जिनको आप सोल्यूशन का बोल सकते हैं। उत्तराखंड सरकार जो है उसने 125 कॉलेज जो राजकीय कॉलेज है उसमें ये योजनाओं को शुरू किया है और हमारा जो कॉलेज है ये इसका उद्यमिता केंद्र बनाया गया है। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि हम उत्तराखंड क्षेत्र के जितने भी आसपास के लोग हैं, युवा हैं, उनको हम यहाँ रोजगार के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए ये हमारा कैंप चल रहा है, 2 दिवसीय बूट कैंप है। इसके बाद हमारे यहाँ 12 दिवसीय बूट कैंप चलेगा अगले महीने दिसंबर में या जनवरी में प्रस्तावित है। तो इससे हमें लगता है कि ये उत्तराखंड के लोगों के लिए और उत्तराखंड के युवाओं के लिए विकास के लिए मील का पत्थर ये योजना। एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जो मुझे चाहिए था अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। मेरे पास कुछ आइडिया है, इनोवेशन है मेरे पास में, जो मुझे एक सहारा चाहिए था, जिससे फंडिंग के तौर पर कह सकते हैं, आइडियोलॉजी के तौर पर कह सकते हैं, ओपिनियन के तौर पर कह सकते हैं। तो उसमें मेरा जो सहारे का रोल निभाया है वो सर ने निभाया है, सर के आइडियाज ने निभाया है। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी युवा हैं अगर वो उनके पास कोई आइडियाज़ हैं जो वो आगे करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, रोज़गार अपनाने के लिए करना चाहते हैं, रोज़गार देने के लिए करना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सामने दिया है। भाजपा अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी जिलों के जिलाध्यक्षों से प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लिया गया। इस फीडबैक के आधार पर दावेदारों की सूची शॉर्टलिस्ट की जाएगी और
पब्लिक सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चयन किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बुलाए गए। जिलेवार दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के दावेदारों के नाम की सूची संबंधी जिलों के जिलाध्यक्षों से बातचीत की गई। चुनाव रायदा से हमारे प्रत्याशी हैं, तो इन सबके साथ चर्चा कर रहे हैं। हर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के लिए व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से अभी तक कितने लोगों ने दावेदारी की है उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, वो नाम इंगित कर रहे हैं और बाद में हम अपने प्रदेश की प्रयोगशील टोली भेजने वाले हैं। वो प्रयोगशील टोली भी हमारी निचले स्तर पर फिर मंडल के पदाधिकारियों से, प्रमुख वार्ड मेंबरों से, जो पूर्व के प्रत्याशी उनसे बातचीत करने के बाद फिर एक समीक्षा तो चर्चा आएगी और उसके बाद हम जो नाम पर पैनल के रूप में आएंगे हम एक पब्लिक सर्वे कराएंगे और पब्लिक सर्वे के बाद फिर हम पब्लिक सर्वे का रिजर्वेशन के बाद कराएंगे। जैसे ही फाइनल होता है तो एक चुनाव की दृष्टि अभी से हमारी तैयारी प्रारंभ हो जाए और हर वार्ड में भी तो बूथ चेयरमैन का विषय होता है, वार्ड में भी हमको प्रत्याशी। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसएसपी देहरादून ने फुटपाथ और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान के निर्देश दिए थे। इस दौरान जनपद के नगर और देहात क्षेत्रों में पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले 84 दुकानदारों के खिलाफ 48 अभियोग पंजीकृत किए गए। अपने अपने क्षेत्रों में जहां की एक प्रकार से जो फुटपाथ है जो कि पब्लिक के आवागमन के लिए है वहां पे एक अस्थायी या अस्थायी तौर पे अतिक्रमण कर रखा था। फड़ हैं, खोखे हैं या अपने कोई सामान वगैरह रखा हुआ था और फुटपाथ के किनारे पे, तो उसके विरुद्ध जो है व्यापक रूप से अभियान पूरे जनपद में चलाया गया था। उस अभियान के तहत जो है तकरीबन 84 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें तो कुल मिलाकर 48 मुकदमे और 84 व्यक्ति इनके विरुद्ध एफआईआर जो हमारे बीएनएस के सुसंगत था। उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। महिला मतदाताओं ने जागरूकता के मामले में पुरुषों को एक बार फिर से पीछे छोड़ दिया। उपचुनाव में 57.64% मतदान हुआ। केदारनाथ विधानसभा सीट पर कुल 90,875 मतदाता थे। सुबह मतदान धीमा रहा, दोपहर बाद वोटिंग ने तेजी पकड़ी। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उपचुनाव में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। मैदान में 6 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला शनिवार को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने यह जानकारी साझा की है। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं और शांतिपूर्ण मतदान। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर हिंदू मंत्रों के अंकित किए जाने पर खुशी जाहिर की है, साथ ही धामी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बौद्ध धर्म के मंत्र वहां पर अंकित किए गए थे लेकिन अब वहां पर हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किए गए हैं जो बेहद हर्ष का विषय है। देहरादून एयरपोर्ट के बाहर जो खंभे बनाए गए हैं नए, उनमें हिंदू मंत्रों को अंकित करवाया है क्योंकि पहले जो खंभे अंकित कराए गए थे उनमें बौद्ध मंत्रों को अंकित करा दिया गया था, जबकि उत्तराखंड सनातनी प्रदेश है, यहाँ पर बौद्धों का उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हम बौद्धों से द्वेष की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं लेकिन वहाँ यहाँ उनका ज़्यादा कोई काम नहीं है और सभी खंभों में बौद्ध मंत्र लिखे गए थे, तो हमने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि यह ठीक नहीं है। लेकिन हमको प्रसन्नता हुई जब हम अभी आए और हमने देहरादून एयरपोर्ट में जो नए खंभे बनाए गए हैं उनमें देखा कि अब हिंदू मंत्र अंकित कर दिए गए हैं, तो जिन लोगों ने भी, सरकार के मंत्री ने या मुख्यमंत्री जी ने अथवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, जिसने भी ये कार्य किया है। दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी कर दिया है। निगम के MD डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि नए नियमों के तहत दिल्ली में BS3 और BS4 की बसें नहीं चल पा रही हैं।
इसको देखते हुए निगम दिल्ली में बसों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली रूट पर निगम की करीब 300 बसें चल रही हैं। इसके तहत 181 सीएनजी बसें, 12 वोल्वो बसें और 103 नई BS6 बसें दिल्ली रूट पर संचालित की जा रही हैं। कैब की गाइडलाइंस थी, उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 सीएनजी बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है जैसे वोल्वो बसेस में, हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं, और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। डिपोज को सबको हमने अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा जैसे जो बसें दिल्ली तक नहीं टच कर पा रही हैं तो उसमें हम ये भी बात कर रहे हैं यूपी से कि मोहन नगर और कौशाम्बी तक हम कुछ बसें उसमें से चला दें, तो उससे भी हमारी काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। तकरीबन 12 बसें मोहन नगर के लिए और 10 से 12 ही बसें कौशाम्बी तक चलाने। देहरादून के ONGC चौक में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया है। इसके तहत अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दून में अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल चालू रहेंगे। इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक ट्रैफिक लाइटें 10 बजे तक चालू रहती थी। हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहां पर तेज़ गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया कि रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स बनाने की बात हुई जहां पर गाड़ियां जो है थोड़ी देर रुके ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं इसमें 2500 से ज्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई। खबर लोहाघाट क्षेत्र से है जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने SDM को नगर में सामान पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए रेट लिस्ट लगाने की मांग की है। SDM ने मामले को संज्ञान में लेते हुए व्यापार संघ और सब्जी शराब आदि में ओवर रेटिंग पर गहरी नाराजगी जताई। वहीं बैठक में SDM ने कहा कि सब्जियों और शराब की दुकानों में भी रेट लिस्ट और QR कोड लगाने के लिए आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। लोहाघाट बाजार क्षेत्र में सब्जी की ओवर रेटिंग को लेकर और शराब की ओवर रेटिंग को लेकर मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में व्यापार मंडल, लघु व्यापारियों, EO और संबंधित जो FGI है इनके साथ में एक बैठक की गई है। सभी को विश्वास में लिया गया है और ये निर्धारित किया गया है कि FGI लोहाघाट और EO साहब व्यापारियों के साथ में बैठेंगे और सब्जी के एक रेट निर्धारित करेंगे। यदि सब्जी वाले कहते हैं हमारे रेट ठीक है तो आपको रेट लिस्ट लगाने में क्या दिक्कत है? यदि शराब के दुकान वाले कहते हैं हमारे रेट ठीक हैं तो आप शराब की दुकानों में लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? जी, कार्यकर्ता राजेंद्र गुन्हा जी ने मुझे अभी एक ज्ञापन दिया हुआ है, तो मैं इस संबंध में जहां सब्जी वाला है इसमें हम खाद्य पूर्ति वाले जो हैं उनके साथ एक टीम बनाकर। चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा होने से टल गया। सड़क किनारे पड़े मलबे के कारण सेना का वाहन स्विफ्ट कार के ऊपर पलट गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।